हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द्विघात समीकरण पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनकी आप नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का हमको व्यापक सूत्र पता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री, और ए की वैल्यू है टू। तो इसका सही आंसर क्या है, माइनस थ्री अपॉन टू। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, यह आंसर सही है। क्लियर। दूसरा देखते हैं, वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। तो यह आ जाएगा आपका माइनस बी अपॉन सी। बी की वैल्यू दी हुई है यहां पर वन, और ए की वैल्यू, सी की वैल्यू दी हुई है माइनस टू। तो यह हो जाएगा आपका वन बाई टू, यह आपका आंसर है। तो वन बाई टू कहां पर है, ए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। समझ में आया, ठीक है। तो हम जो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं, यदि आप सभी छात्र उसको साइड में रफ कार में इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे तो आपको कभी गलत नहीं होगा, और यदि आप ऐसे ही सब आंसर देखेंगे तो हो सकता है गलत हो। तो इसको आप सभी लोग सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करिए। तो आप कॉपी में या तो पीछे का पेज एक रफ बना लीजिए, या साइड में एक रफ पेज आधा कॉलम खींच लीजिए, और उसको सॉल्व करके चेक करिए कि इसका आंसर सही क्या आएगा, तभी आप सही रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो इसको विविक्त कर, डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यदि ये शून्य से बड़ा हो तो क्या होता है, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे होंगे। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए। तो इसका सही आंसर है ए। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। अब हम चौथा देखते हैं, द्विघात समीकरण के विवेचक का मान, विवेचक जो हम विविक्त कर भी बोलते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहां पर बी की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू दिया हुआ है थ्री, और सी का वैल्यू दिया हुआ है वन बाई थ्री। तो यह वैल्यू आ जाएगी आपकी, माइनस टू का स्क्वायर फोर, थ्री और माइनस थ्री कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा, माइनस फोर इक्वल जीरो। तो यहां पर जीरो कौन सा आंसर है, ए। तो इसका सही आंसर है ए। क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी। तो आप सिक्स वाला कर रहे हैं, तो इसमें विविक्त कर निकालिए, क्या होता है विविक्त कर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो इसमें बी की वैल्यू है वन स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू वन, और सी की वैल्यू वन, सी की वैल्यू माइनस वन। तो यह आ जाएगा वन प्लस फोर,
इक्वल 5, ये जीरो से बड़ा है। तो अगर यदि डी पॉजिटिव हो तो मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वास्तविक और भिन्न असमान, इस ए वाला सही है। ठीक है, सेवेंथ देखते हैं कि कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम यहां देखते हैं कि सी में हम देखते हैं एक्स प्लस 3/x इक्वल एक्स स्क्वायर। तो इसको हम चेक करते हैं तो एक्स प्लस 3x^-1 इक्वल एक्स स्क्वायर। तो यहां पर घात जो है माइनस वन है, घात क्या है इसकी माइनस वन। तो बहुपद में चर की घात धन पूर्णांक होना चाहिए। क्लियर? तो ये आंसर यह जो है द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। यदि मूल बराबर और वास्तविक हो तो मूल होंगे। तो आप इसको देखेंगे 13 में, मूल बराबर व वास्तविक हो तो क्या होगा आपका d इक्वल टू जीरो। और मूलों का मान कैसे निकालते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यहां b की वैल्यू रख दीजिए, b कितना है माइनस बी प्लस माइनस d का मान जीरो है अपॉन 2a। तो यह मान आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन 2ac। तो इसका सही आंसर है आपका c। अब हम 14th क्वेश्चन देखते हैं। विविक्त द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो मूल बराबर होंगे तो क्या होगा? d इक्वल टू जीरो। और d कितना होता है? इक्वल जीरो। तो इसको देखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो कौन सा सही है? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac डी। तो इसमें सही आंसर क्या है? डी। क्लियर? अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि द्विघात समीकरण के लिए बी स्क्वायर लेस देन 4ac हो तो मूल की प्रकृति क्या होगी। तो हम 15 में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है? बी स्क्वायर लेस देन 4ac। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। इसका मतलब डी का मान निगेटिव है। और इस केस में क्या होगा? मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 16 में हम देखते हैं कि विविक्त कर का मान ज्ञात करना है। तो विविक्त कर डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना दिया हुआ है? माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का मान दिया हुआ है 3/4 और सी का मान दिया हुआ है -3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 64 और माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल हो गया, प्लस 9 इक्वल 73। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? 73।
17, इसमें वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 हो तो कौन सा होगा? तो आप यहां देखेंगे कि ये वाला फार्मूला होता है, मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। तो इसमें आप मूलों का मान रख दीजिए, तो यहां क्या दिया होगा, 3 - 3x प्लस 3 - 3 इक्वल 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 0, यहां कितना हो जाएगा -9 इक्वल 0। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, बी। क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो लगातार धन पूर्णांकों का गुणनफल 72 है, यदि छोटी संख्या x हो तो कौन से कथन को व्यक्त करेगा समीकरण। तो 18 में देखो कि माना दो धन पूर्णांक लगातार क्रमागत x तथा x प्लस 1 हो, तो क्या दिया हुआ है कि उनका गुणनफल 72 है, तो उनका गुणनफल कितना 72, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, आंसर बी। अब हम 19